कोरोना वैक्सीन पर मुतातिक दवा साज कंपनियां काम कर रही हैं। मुनाफा और सेहत व तंदरुस्ती की दौड़ जारी है। सनत और सियासत उससे बचना चाहते हैं कि आखिर में कोई बुनियादी तौर पर शिक्षा का या इसे नुकसान हो, लेकिन उस मुनसब शामिल नहीं है। 18 माह चेहरे के मास्क, तवलीदी आदाद और वायरोलॉजिस्ट के बगैर कुछ मुहतकिन कोरोना वैक्सीन तैयार करने के बारे में थोड़ा ज्यादा पर उम्मीद है। दूसरों का ख्याल है कि उसमें ज्यादा वक्त लग सकता है। आखिर कभी न कभी ऐसा वक्त आएगा जब मतलूबा वैक्सीन मुसर होगी, लेकिन कौन सा मुल्क सबसे पहले इसे हासिल कर सके, उसके लिए शदीद दबाव में तैयारियां उस वक्त जारी हैं। माहिर सेहत एलोना किकबोच ने DW को बताया, फिलहाल उस तरह के मामले में मनसिफाना तकसीम के लिए कोई बैन अलाकवामी कवाद मौजूद नहीं है। इसे कोई खदशात उनके सबसे पहले मगरबी यूरोप, कैनेडा, जापान और अमरीका को ये वक्सन फ्राहम की जाएगी। जोरकन वसीम, सबसे बड़ा हद्फ मुनाफा। वैक्सीन की तकसीम का मामला फिलहाल मार्केट की सख्त और तलब पर छोड़ दिया गया है। सेहत से मुतालिक माहिर अक्तसादियात जोरकन वसीम ने DW को इंटरव्यू देते हुए कहा, इसे कोई खदशात हैं कि सबसे पहले मगरबी यूरोप, कैनेडा, जापान और अमरीका को ये वैक्सीन फ्राहम की जाएगी, क्योंकि ये ममालिक ज्यादा कीमत अदा कर सकते हैं। दुआसाजी के शिबे में ये मसला हमेशा मौजूद रहा है। जर्मनी की डोसबर्ग एसिन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले सेहत के शिबे के माहिर मुआशियात जोरकन वसीम का कहना है कि तारीखी वैक्सीन के हवाले से दवा साजी की सनत की तारीख बहुत रोशन नजर नहीं आती। ये मुतअद्दिद बार देखा गया है कि वैक्सीन की फ्राहमी मैन रिकावटें कारपोरेट कीमतों का तयन करने की पॉलिसियों की वजह से पैदा हुई, लेकिन ऐसे किस को साबित करना मुश्किल है। जोरकन वसीम कहते हुन, बालवास्ता इल्जाम तो ये है कि कारपोरेशनों ने मुस्नूई तौर पर वैक्सीन की मकदार महदूद रखकर उनके कीमत बहुत ज्यादा रखन नेज कुछ मखसूस वैक्सीन मुआशी मुराद की कमी की वजह से कभी तैयार ही नहीं की गई। जनेवा में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बराए बैन अलाकवामी मुतालिया और तरक्की में सेहत के प्रोग्राम से मंसल कलूना के कबोज की रिपोर्ट के मुताबिक इबोला वैक्सीन की बुनियादी अज्जाई तरकीब मौजूद थी, लेकिन उसके लिए में से रकम कम होने की वजह से इसे तैयार नहीं किया जा सका। रूस पर एसिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोरकन वसीम वैक्सीन की तैयारी के अमल मुन नजे शिबे को शामिल करने के वास फवायद देखते हैं। वो कहते हैं उनके पास मुतअद्दिद मुसबिकती इंस्टीट्यूट होते हैं जिनमें से कुछ कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन तैयार करना बहुत महंगा और खतरनाक अमल होता है। वैक्सीन तैयार करने वाले कौन? मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक उस वक्त आलमी सेहत की फिलाह वो बहबूद का दारोमदार वैक्सीन तैयार करने वाली 4 बड़े फर्मों और मुतअद्दिद छोटी बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों के रहम व करम पर है। दुनिया भर में वैक्सीन के लगभग इसी मनसूबे जारी हैं। ज्यादातर बड़ी छोटी दवा साज कंपनियों का ताल्लुक अमरीका, कनाडा, चीन और जर्मनी से है। COVID-19 के हवाले से अक्वाम मतहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, वैक्सीन किसी एक मुल्क या एक खिते के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी वैक्सीन जो सस्ती, महफूज, मुसर और आसानी से आलमी सतह पर दस्तयाब हो, हर एक के लिए हर जगह मिसर होनी चाहिए। COVID-19 के खिलाफ वैक्सीन को एंटोनियो गुटेरेस ने अवामी खैर करार दिया है। जर्मन चांसलर अंगेला मर्कल ने भी उनकी हमनवाई की है और वो 4 मई को उस तनाजर में अपनी कौशन पर रोशनी डालगी। मुतअद्दिद रियासतें, यूरोपीय यूनियन और गेट्स फाउंडेशन आलमी अदारा सेहत के लिए 8 बिलियन यूरो से ज्यादा जमा करना चाहती हैं। उस रकम को टीके और अद्वियात की एक आलमी एजेंसी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।